लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सावचेन और दागू का मैच हुआ था जिसमें सावचेन जीत चुका था। और अब मास्टर जाओ अगले मैच की अनाउंसमेंट करते हैं जो कि लिंग फेंग और वांग हुन के बीच में था। और अब अनाउंसमेंट होते ही लिंग फेंग और वांग हुन आमने सामने आ जाते हैं। और अब लिंग फेंग वांग हुन से कहता है कि आज तक तुमने और वांग फैमिली ने जो जो मेरे साथ किया है उन सब चीजों की कीमत आज तुम चुकाने वाले हो, क्योंकि आज से वांग फैमिली के प्रति मेरा प्रतिशोध शुरू हो चुका है। और अब लिंग फेंग की बात सुनके वांग हुन कहता है कि तुम हमेशा से ही एक गंदी नाली के कीड़े थे जो हमेशा से ही हमारे वांग फैमिली का एक हिस्सा बनना चाहता था, लेकिन तुम टेंशन मत लो, जिस तरह हमने पहले तुम्हारे कल्टीवेशन को छीना था उसी तरह आज भी मैं तुम्हारे कल्टीवेशन को छीन के मैं तुम्हें फिर से एक यूजलेस पर्सन बना दूंगा। और अब इतना सुनते लिंग फेंग सीधे वांग हुन के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। और अब फाइनली लिंग फेंग और वांग हुन की फाइट शुरू हो जाती है जहाँ पर स्टार्टिंग में वो दोनों एक दूसरे को काफी अच्छी खासी टक्कर दे रहे होते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वांग हुन सीधे अपने बीस्ट को निकाल देता है और अब वो बीस्ट लिंग फेंग से फाइट करना शुरू कर देता है, जहाँ पर लिंग फेंग भी उस बीस्ट के अटैक से खुद को बचा रहा होता है। और अब उस बीस्ट को देखते हुए मास्टर जाओ कहते हैं कि ये तो ब्लैक जेड क्विलिन है। और अब मास्टर जियांग भी उस क्विलिन की ओर देखते हुए कहते हैं इस बीस्ट की पावर तो एक डिवाइन रिलम के कल्टीवेटर जितनी है, और अगर लिंग फेंग ने इस क्विलिन को बीट कर दिया तो इसका सीधा मतलब होगा कि वांग हुन लिंग फेंग को नहीं हरा सकता। और अब लिंग फेंग उस क्विलिन की ओर देखते हुए कहता है कि भद्दे बीस्ट तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे मार दोगे। और अब इतना कहते लिंग फेंग अपने फ्लेमिंग डार्क आइस का यूज करता है जिसकी वजह से जमीन के अंदर से एक बहुत ही बड़ा क्रिस्टल आइस निकलता है जो कि उस क्विलिन को सीधे ऊपर की तरफ ले जाता है। और अब लिंग फेंग बिना किसी देरी के अपने वारलॉर्ड वाली थ्योरी का यूज करता है और सीधे जाके उस क्विलिन के ऊपर अपने स्पेयर से अटैक कर देता है, और जिसकी वजह से वो क्विलिन वहीं पे मर जाता है। और अब ये देखते हुए वांग हुन बिना किसी देरी के अपने पॉइजन वाले नीडल्स को सीधे लिंग फेंग के हाथों में दे मारता है, और अब उस पॉइजन वाले नीडल के घुसने की वजह से लिंग फेंग का एक हाथ काम करना बंद कर देता है। और अब वांग हुन लिंग फेंग से कहता है कि लिंग फेंग ये हमारे फैमिली का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइजन था जिसकी वजह से तुम्हारा एक हाथ तो अब काम नहीं करेगा, और अब मैं भी देखता हूँ कि आखिरकार तुम एक हाथ से मुझे कैसे हराते हो। और अब वांग हुन की ऐसी चीफ हरकत देखने के बाद जियांग चुन कहता है कि ये तो बेमान निकला। और अब लिंग फेंग वांग हुन की बात सुनने के बाद हंसने लगता है, और फिर लिंग फेंग अपनी स्पीड का यूज करते हुए सीधे वांग हुन के पीछे चला जाता है। और फिर लिंग फेंग वांग हुन से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें एक हाथ से नहीं हरा सकता। और अब इतना कहते लिंग फेंग सीधे वांग हुन के ऊपर अपने स्पेयर से अटैक कर देता है, और अब वांग हुन भी लिंग फेंग के अटैक से काफी ज्यादा घायल हो जाता है। और अब वांग हुन अपने मन में सोचता है कि मेरे ख्याल से अब मुझे वो अटैक कर देना चाहिए। और अब इतना कहते वांग हुन सीधे अपने हाथों से नीडल्स को निकालने लगता है, और अब अपनी सारी पावर्स का यूज करते हुए वांग हुन उन सारे नीडल्स को एक्टिव कर देता है। और अब वांग हुन लिंग फेंग से कहता है कि ये मेरे अर्थ लेवल के 8 क्लास की स्किल है और अब तुम्हें मरने से कोई भी नहीं बचा सकता। और अब इतना कहते ही वांग हुन अपने सारे नीडल्स को लिंग फेंग की ओर भेज देता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि लिंग फेंग अपनी पावर्स की मदद से उन सारे नीडल्स को रोक लेता है। और फिर लिंग फेंग वांग हुन से कहता है कि तुमने आज तक जो कुछ भी मेरे साथ किया है उसके लिए तुम मौत को तो डिजर्व करते ही हो। और अब इतना कहते ही लिंग फेंग उन सारे नीडल्स को वापस वांग हुन की तरफ भेज देता है, और अब उन सारे नीडल्स के लग जाने की वजह से उन नीडल्स में जो पॉइजन मौजूद था उसके कारण वांग हुन वहीं पे गिर जाता है और उसकी पूरी बॉडी भी काली हो जाती है। और अब वांग हुन तड़पते हुए अपनी सिस्टर से एंटीडोट मांग रहा होता है, और अब वांग हुन की सिस्टर को अपनी आंखों पे भरोसा नहीं हो रहा था। और अब मास्टर जाओ अनाउंसमेंट करते हैं कि इस मैच का विजेता लिंग फेंग है। और अब ऐसे ही बैक टू बैक सारे प्रतिभागियों का मैच होने लगता है जहाँ पर जो ज्यादा पावरफुल था वो अपनी मैचेस को जीतते जा रहा था। और अब इसी तरह बाकी के मैचेस के होते होते दिन ढलने लगती है, और अब कुछ देर बीतने के बाद मास्टर जाओ अनाउंसमेंट करते हैं कि सेकेंड राउंड के सारे मैचेस कम्प्लीट हो चुके हैं, और अब आज के मैच को कैलकुलेट करते हुए जिन प्रतिभागियों ने थर्ड राउंड को क्वालिफाई किया है उन सभी प्रतिभागियों को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाइयां। और फिर मास्टर जाओ कहते हैं कि थर्ड राउंड की शुरुआत कल से की जाएगी, क्योंकि थर्ड राउंड पहले दो राउंडों के मुकाबले में बहुत ही ज्यादा डिफरेंट होने वाला है, और थर्ड राउंड में क्या क्या बदलाव होंगी ये कल आप सभी को मैच के शुरू होने से पहले ही बता दिया जाएगा। और अब आज के कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त किया जाता है, और अब हमें उन सारे प्रतिभागियों को दिखाया जाता है जिन्होंने थर्ड राउंड को क्वालिफाई किया था, और अब वो सारे भी थर्ड राउंड में होने वाले मैचेस के बारे में सोच के बस एक दूसरे को ही देखे जा रहे थे। और अब जियांग चुन सावचेन से कहता है कि बॉस चलिए अब घर चलते हैं। और अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि मास्टर जाओ, जिनबा और ताइशुन के पिताजी एक साथ बैठ के मीटिंग कर रहे होते हैं, जहाँ पर जिनबाओ कहता है कि मैंने सावचेन को जितना सोचा था वो तो उससे कई गुना ज्यादा पावरफुल निकला। और अब जिनबाओ की बात सुनने के बाद मास्टर जाओ भी सोचने लगते हैं कि अगर वो पावरफुल अपर रिलम का वॉरियर भी सावचेन को नहीं हरा पाया तो क्या जिनू रिलम में कोई ऐसा मौजूद है जो सावचेन को हरा पाएगा। और अब जिनबाओ कहता है कि अगर हमने जल्दी से जल्दी सावचेन का कुछ भी नहीं किया तो तुम लोगों ने देखा कि उसने आज के मैच में क्या किया। अगर मैं ईमानदारी से कहूँ तो सावचेन को देख के ऐसा लग रहा था कि वो सिर्फ अपनी पावर का 20% या 30% ही यूज कर रहा था, और अगर हमने मिल के सावचेन को नहीं रोका तो इस टूर्नामेंट में कोई भी इस लाइक नहीं है कि वो सावचेन को डिफीट कर पाए। जिस पर मास्टर जाओ भी कहते हैं कि जिनबाओ बिल्कुल सही कह रहा है, अगर हम लोगों ने इस चैंपियनशिप को जीतने में अपने बेटों की हेल्प नहीं की तो सावचेन डेफिनेटली इस टूर्नामेंट को जीत लेगा। जिस पर जिनबाओ कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल यही कह रहा था और हमें किसी भी हाल में सावचेन को जीतने नहीं देना है। जिस पर मास्टर जाओ कहते हैं कि तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन अगर सावचेन ही स्काई लॉर्ड निकला तो फिर हम क्या करेंगे। और अब ताइचुन के फादर सोचते हुए कहते हैं कि अगर सावचेन ही स्काई लॉर्ड निकला तो अब ज्यादा से ज्यादा बुरा क्या हो सकता है कि सावचेन एक सर्वशक्तिमान लॉर्ड निकले। और अब ये सुनने के बाद जिनबाओ कहता है कि अगर सावचेन एक सर्वशक्तिमान लॉर्ड है तो फिर अब तो उस आदमी को हमें अपनी हेल्प के
लिए बुलाना ही होगा। और अब ये सुनने के बाद मास्टर जाओ कहते हैं कि क्या तुम उसी की बात कर रहे हो, जिस पर जिनबाओ कहता है कि हाँ मैं उसी की बात कर रहा हूँ। जिस पर ताइचुन के फादर कहते हैं कि आखिरकार तुम लोग किसके बारे में बात कर रहे हो, जिस पर मास्टर जाओ कहते हैं कि बीस्ट माउंटेन का बीस्ट मास्टर। और अब बीस्ट मास्टर का नाम सुनते ताइचुन के फादर कहते हैं कि आखिरकार ये तुम लोग क्या मजाक कर रहे हो, जिस पर मास्टर जाओ कहते हैं कि अब हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, और अब अगर बीस्ट मास्टर ने हमारी हेल्प कर दी तो फिर साओचेन भले एक लॉर्ड ही क्यों ना हो, बीस्ट मास्टर उसे बहुत ही आसानी से खत्म कर देगा, क्योंकि बीस्ट मास्टर ने अपने सेलेस्टियल स्टेज को भी पास कर लिया है और अब उसकी पावर एक किंग रिलम के कल्टीवेटर जितनी हो गई है। और अब मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि साओचेन उसके सामने नहीं टिक पाएगा। जिस पर ताइचुन के फादर कहते हैं कि सारी बातें तो ठीक है लेकिन बीस्ट मास्टर हमारी हेल्प क्यों करेगा, जिस पर जिनबाओ कहता है कि ये सब कुछ तुम मेरे ऊपर छोड़ दो क्योंकि मैं बहुत ही अच्छे से जानता हूँ कि वो बीस्ट मास्टर एक बहुत ही बड़ा यास और लालची किस्म का आदमी है, अगर वो जो मांगे हमने उसे प्रोवाइड कर दिया तो वो आराम से हमारी हेल्प करने के लिए मान जाएगा। जिस पर सारे लोग भी हंसते हुए ऑल राइट कहते हैं। और अब मास्टर जाओ अपने मन में सोच रहे होते हैं कि एक बार ये बीस्ट मास्टर साओचेन को खत्म कर दे, उसके बाद मैं उस बीस्ट मास्टर को खत्म कर दूंगा और उसके मरने के बाद मैं उस बीस्ट माउंटेन पे अपना कब्जा कर लूंगा। और अब सीन चेंज होता है और हम बीस्ट माउंटेन को देखते हैं जहाँ पर बहुत ही भयानक और खतरनाक बीस्ट मौजूद थे, और तभी हम वहाँ पे बीस्ट मास्टर को देखते हैं जो एक बहुत ही बड़े सांप को तुरंत खा जाता है। और अब सीन चेंज होता है और हम साओचेन और बाकी लोगों को देखते हैं जहाँ पर जियांग चुन साओचेन को थर्ड राउंड के लिए ऑल द बेस्ट कह रहा होता है। और अब लाओ जाओ बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि मास्टर की पावर दिन प्रतिदिन और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है और मेरे ख्याल से उस टूर्नामेंट में ऐसा कोई भी नहीं है जो कि मास्टर को टच भी कर पाए। जिस पर लिंगबाओ कहता है कि वो सब तो मास्टर के सामने बस एक नमूने हैं। और अब साओचेन सारे लोगों को गुड नाइट कहते हुए वहाँ से रेस्ट करने के लिए चला जाता है। और अब सीन चेंज होता है और हम दागू और जियांग फैमिली के मास्टर को देखते हैं जहाँ पर दागू बता रहा होता है कि साओचेन सच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है क्योंकि अभी जो मेरी कल्टीवेशन लेवल है उससे भी मैं साओचेन को नहीं हरा पाया। जिस पर जियांग फैमिली का मास्टर कहता है कि एग्जैक्टली मुझे बताओ कि साओचेन कितना स्ट्रांग है, जिस पर दागू कहता है कि मुझे क्लियर तो नहीं पता लेकिन मेरे ख्याल से उसने मुझे हराने के लिए बस अपनी 40-60% पावर का यूज किया होगा। और मुझे ये भी पता चल गया कि साओचेन अगर चाहता तो मुझे वहीं पे मार देता क्योंकि साओचेन की पावर इतनी ज्यादा है कि मेरी सोच भी वहां तक नहीं जाती। जिस पर जियांग फैमिली का मास्टर कहता है कि तुम्हारे पास तो अपनी फुल पावर थी तो क्या तुम उसे एक बार भी हिट नहीं कर पाए, जिस पर दागू कहता है कि मैंने अपने स्पेयर के तीसरे फॉर्म से उसके ऊपर एक बार हिट किया था। और अब ये सुनने के बाद जियांग फैमिली का मास्टर कहता है कि ठीक है तुम उसके ऊपर नजर बनाए रखो, जिस पर दागू वीएस मास्टर कहता है। और अब सीन चेंज होता है और हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सारे लोग थर्ड राउंड को देखने के लिए बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं। और अब मास्टर जाओ सबका स्वागत करते हुए कहते हैं कि आज के दिन थर्ड राउंड स्टार्ट होने वाला है और इस मैच के लिए हम सब एल्डर ने ये डिसाइड किया है कि आज जो थर्ड राउंड का कंपटीशन होने वाला है वो कंपटीशन यहाँ पे ना होकर बीस्ट माउंटेन में की जाएगी। और अब ये सुनने के बाद मास्टर जियांग कहते हैं कि जाओ इसके बारे में तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, जिस पर मास्टर जाओ कहते हैं कि तुम्हें इसे पर्सनली लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, इस डिसीजन को लेने में काफी ज्यादा रात हो गई थी और तुम सो गए थे इसीलिए हम लोगों ने तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया। और अब सारी बातों को समझते हुए मास्टर जियांग हंसने लगते हैं। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।